हेलो, स्वागत है आपका टेक की बातों में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीकली टेक न्यूज़। तो गाइस, वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल इंडिया की लेटेस्ट अपडेट। तो उसको आप वीडियो के एंड में ज़रूर देख सकते हो क्या अभी तक पबजी के ऊपर लेटेस्ट अपडेट है मिटी की तरफ से। इसके अलावा अगर आपको पबजी का ग्लोबल वर्जन खेलना है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कैसे अगर आपको पबजी खेलना है ग्लोबल वर्जन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस लेटेस्ट अभी क्वालकॉम ने अपना फ्लैगशिप फोन्स के लिए स्नैपड्रैगन 888 लॉन्च किया। इसी तरीके से सैमसंग भी लॉन्च करने जा रहा है फ्लैगशिप फोन्स के लिए अपना सैमसंग का एक्सिनोस प्रोसेसर, जो कि सपोर्ट करता है कॉर्टेक्स का X1 CPU। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 8-कोर डिज़ाइन, जिसमें से जो 1 कोर है वो आपको देखने को मिलेगी 2.9 GHz की CPU कोर। बाकी जो उसकी 3 कोर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 2.8 GHz की कोर, एंड जो बाकी बची 4 हैं वो आपको 2.4 GHz की कोर हैं, जो कि ये सपोर्ट करता है 8-कोर डिज़ाइन। इसके अलावा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सैमसंग का एक्सिनोस है ये सपोर्ट करेगा 8K रिकॉर्डिंग तक। तो गाइस, जिनके पास अभी तक 4K रिकॉर्डिंग के फ़ोन्स भी नहीं हैं वो तैयार हो जाइए 8K रिकॉर्डिंग के लिए। हो सकता है आपको अपना टेलीविज़न भी अपग्रेड करना पड़े, क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करते फिरेंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट ग्रो हो रही है आजकल कि पूछो मत। तो गाइस, अभी तक जो वीवो के फ़ोन्स हैं वो फनटच OS पर चल रहे हैं। तो वीवो अभी अपना नया OS लॉन्च करने जा रहा है अपने सारे फ़ोन्स के लिए, जो कि है ओरिजिन OS, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो उसका डिज़ाइन है वो कुछ थोड़ा सा उन्होंने यूनिक रखा है लोट्स की ग्रिड के ऊपर, जो कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप्स को सपोर्ट करता है। तो उसके अंदर जो आप आइकन्स देखने को मिलेंगे, जो भी विजिट्स देखने को मिलेंगे, वो सारे स्क्वायर एंड आपके रेक्टेंगल शेप्स में ही मिलेंगे, क्योंकि जो लोट्स के पजल्स होते हैं उसके अंदर जो सारे पजल के पीसेस होते हैं वो सारे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होते हैं। उस गेम को रेफर करके उन्होंने अपने डिज़ाइन जो बताया है कि वो बोला है कि वो लोट्स की ग्रिड को फॉलो करेंगे। एंड इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे उसके जो लाइव वॉलपेपर्स हैं वो कैसे काम करेंगे, वो काफ़ी अच्छे उन्होंने रियल लाइफ वॉलपेपर्स ऐड किए हैं अपने OS के अंदर, जो कि डे टाइम में थोड़े से ब्राइट रहते हैं और जो रात के टाइम में थोड़े से डार्क हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो कंडीशंस हैं। और इसके अलावा जो वेदर के अकॉर्डिंग भी उन्होंने लाइव वॉलपेपर्स ऐड किए हैं, जैसे कि अगर कहीं रेनी सीजन है तो वहाँ पे जो वॉलपेपर आपका वो चेंज होकर थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा या फिर थोड़ी सी रेनिंग पड़ने लग जाएगी। तो इस तरीके के जो UI इंप्रूवमेंट्स वो लेके आए हैं अपने ओरिजिन OS में। इसके अलावा उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी क्या, वो तो फ़ोन के आने के बाद ही चलेगी पता। और उन्होंने अभी जो अपना लेटेस्ट फ़ोन है जो कि वीवो सपोर्ट करेगा ओरिजिन OS, वो उसकी भी जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है। वीवो के कुछ फ़ोन्स जैसे कि वीवो 3S, वीवो X50 Pro, इसके अलावा भी काफ़ी 3-4 वेरिएंट्स हैं जिनके अंदर वीवो अभी अगली साल जो लॉन्च होने वाले हैं सारे फ़ोन्स उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा ओरिजिन OS। तो देखते हैं क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या परफॉर्मेंस में उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है जो एक फन टच OS से उन्होंने स्विच किया है ओरिजिन OS के ऊपर। तो गाइस, आप पोर्ट्रेट फोटो के बारे में तो जानते ही हो, अभी तक जो पोर्ट्रेट फोटोज़ थे वो आप बैक कैमरा से लेते थे और सामने वाला एक जो पोर्ट्रेट फोटो आते काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते थे पोर्ट्रेट फोटोज़। अभी गूगल की जो पिक्सल्स फ़ोन्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छे अपडेट्स आए हैं, जिसके अंदर आप फ्रंट कैमरा जो है उसके थ्रू भी आप पोर्ट्रेट फोटोज़ ले सकते हो। पोर्ट्रेट सेल्फी तो काफ़ी सारे फ़ोन्स में और भी अवेलेबल है, लेकिन जो गूगल का पिक्सल है उसके अंदर ऐसा क्या गूगल ने कर दिया है जिसके वजह से जो उसकी पोर्ट्रेट फोटोज़ की जो सेल्फीज़ आ रही हैं वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं, जो उनकी जो लाइटनिंग है वो काफ़ी एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक लग रही है। तो इसके पीछे की जो साइंस है वो गूगल ने भी रिवील किए कि कैसे उनकी जो पोर्ट्रेट सेल्फीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं जो बाकी जो फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो पोर्ट्रेट सेल्फी सपोर्ट करते हैं। तो गाइस, गूगल यूज़ कर रहा है अपने पिक्सल फ़ोन्स में मशीन लर्निंग का यूज़। तो उन्होंने एक इमेजेस का लार्ज डेटा सेट कलेक्ट कर रखा है, जिसमें उन्होंने अपने मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उनको ट्रेन किया है, और उसके थ्रू जो उन्होंने 2 मेन आउटपुट्स जो रिजल्ट में एज अ प्रोड्यूस किए हैं वो ये कि पहला तो ये कि ऑटोमेटिक डायरेक्शनल लाइट प्लेसमेंट। तो अब ये क्या होता है, तो इसके अंदर जो आपके प्रोफेशनल कैमराज होते हैं वो जो ऑफ कैमरा लाइटनिंग यूज़ करते हैं किसी भी फोटो को जब क्लिक करते हैं, तो जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग वो यूज़ करते हैं, तो इस तरीके की लाइटनिंग उन्होंने अचीव की है अपने मॉडल्स के अंदर। जब भी आप एक पोर्ट्रेट सेल्फी क्लिक करते हो पिक्सल के अंदर, तो एक आर्टिफिशियल लाइटनिंग आपको उसमें गारंटी देखने को मिलेगी, जिसके थ्रू जो आपकी इमेज है वो काफ़ी अच्छी इन्हेंस हो जाती है और आपको देखने को मिलती है एक बेटर क्वालिटी इमेज रिजल्ट। दूसरी जो चीज़ उन्होंने अचीव की है वो है सिंथेटिक पोस्ट कैप्चर रीलाइटनिंग। अब ये क्या है, अब जो आपने पहली वाली जो पॉइंट मैंने बताया उसके थ्रू आपने इमेज कैप्चर करी, अब उसके अंदर भी हो सकता है जो आपकी जो लाइटनिंग है वो प्रॉपर ना आई हो,
तो उसको रीलाइटनिंग करने के लिए उन्होंने अपने जो मॉडल्स हैं, अपनी जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, उनको यूज़ किया एंड उसके अंदर एक रीलाइट प्रोड्यूस करी, जिससे उस फोटो की जो लाइटनिंग है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगे। देखने में ऐसा ना लगे कि जो फोटो के अंदर लाइटनिंग आ रही है वो रियलिस्टिक नहीं है और जो फोटो थोड़ा सा अननेचुरल लगे। इस तरीके की जो लाइटनिंग की इंप्रूवमेंट उन्होंने जो सेकंड वाले पॉइंट में की है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब कंबाइन करोगे तो आपको एक बेटर पोर्ट्रेट सेल्फी देखने को मिलती है गूगल पिक्सल फोन्स के अंदर। तो गाइज, गूगल ने लॉन्च किए अपने AR के अंदर 50+ न्यू एनिमल्स जिनका यूज़ आप कर सकते हो। तो जिनको नहीं पता कि AR क्या होती है, तो मैं बता दूं कि AR का मतलब है ऑगमेंटेड रियलिटी। इसके अंदर आप जो आपका कैमरा है उसको यूज़ करके कैसे आप एक वर्चुअल चीज़ को अपने लाइव कैमरा के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एप्पल फोन्स के अंदर आपने काफ़ी देखा होगा इमोजीज का जो AR पे बेस्ड हैं। स्नैपचैट के जो फिल्टर्स आपने AR के काफ़ी देखे होंगे। अभी लेटेस्ट ही OnePlus का भी AR लॉन्च हुआ था। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसमें आप कैमरा का यूज़ करके वर्चुअल चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हो अपने कैमरा इमेजेस के अंदर, तो ये AR के अंदर आती हैं। तो गूगल अभी तक अपनी सर्च में काफ़ी सारे AR एनिमल्स प्रोवाइड करता था, जिसके अंदर उसने अभी 50+ AR एनिमल्स को और ऐड कर दिया है, जो कि अगर आप गूगल सर्च करके देखोगे कि AR एनिमल्स, किसी भी एनिमल का आप नाम डालो और उसके आगे लिख दो इन AR या फिर 3D व्यू पॉइंट करके आप किसी भी एनिमल का नाम डाल के अगर सर्च करोगे तो उसके अंदर आपको एक 3D व्यू मिलेगा उस एनिमल का। तो जब भी आप अपना कैमरा पॉइंट करोगे किसी भी सरफेस पे, तो वहाँ पे आप उस जो एनिमल का आपने सर्च किया है उसको 3D इंप्लीमेंट कर पाओगे अपने सरफेस पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अपने अगर बच्चों को समझाना है कि भाई ये जो एनिमल है कैसा दिखता है, कैसे हरकतें करता है, तो छोटे बच्चे काफ़ी जो है इन चीज़ों से इंटरेस्टेड होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं ये चीज़ें देख के। तो उनको समझाने के लिए या फिर और भी सारी चीज़ें हैं जो AR का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गूगल के जो भी एनिमल्स का है उसके अंदर 50 नए एनिमल्स उन्होंने ऐड किए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था पबजी की मोबाइल ईडी अपडेट के बारे में, तो अभी तक काफ़ी लोगों ने जो रूमर्स हैं उसके ऊपर कि पबजी अब लॉन्च होगा, कल लॉन्च होगा, इसके ऊपर तो इसमें काफ़ी लोगों ने RTI फाइल की, ये जानने के लिए कि आखिरकार जो मिट्टी है उसने कोई परमिशन पबजी मोबाइल इंडिया को दी भी है कि नहीं। तो फाइनली जो मिट्टी है उसका जो रिस्पॉन्स अभी आया है पिछले एक दो दिन में, उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने ऐसी कोई भी अप्रूवल पबजी मोबाइल इंडिया को नहीं दी कि वो इंडिया में ऑपरेट कर सकता है। तो अभी तक जो पबजी मोबाइल इंडिया आप हम सभी के साथ खेल रहा था कि अब लॉन्च होगा, हो सकता है दिवाली पर लॉन्च हो जाए, तो वो सिर्फ एक प्रमोशन का तरीका था उनका, या फिर आप कह लो कि एक बूम बनाया हुआ था जो अभी दूर दूर तक हमें नहीं दिख रहा कि पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च हो सकता है। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।